ये 2-3 लाख की नहीं, 100 लाख की बाइक है। हाँ मैंने आपको बता दूं, वो मजाक वाली बात। ऑल राइट, तो पैकिंग वगैरह सब कुछ डन हो चुकी है, लेकिन अभी तक जाना कहाँ है वो फाइनल नहीं हुआ है। एक्चुअली मेरा जो प्लान था वो था अटल टनल जाने का, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मौसम ने जो अंगड़ाई ली है, जिसकी वजह से मनाली का जो टेम्परेचर वो -4 पहुंच चुका है। अब मेरी थोड़ी बहुत मनाली में जान पहचान है, जिससे मुझे पता चला कि वहां पे बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है। और स्नोफॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वहां पे 2 या 3 दिन तक लगातार स्नोफॉल होता है तो गवर्नमेंट भी उसको क्लियर नहीं करती है, क्योंकि अगर वो क्लियर करते भी है तो थोड़ी देर में दोबारा से स्नोफॉल होगी और सब कुछ वैसे हो जाएगा, तो सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। तो अटल टनल की बात तो दूर, मनाली से थोड़ा सा भी ऊपर जाना अब बंद हो गया है। फिर हमारा सेकंड प्लान ये हुआ, चलो अटल टनल ही ना सही लेकिन मनाली चलते हैं, स्नोफॉल ही दिखाएंगे। और अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरा मनाली जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने मनाली का प्लान डन कर दिया। बट जब होटल वालों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप 3 या 4 दिन वहां फंसे रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि रास्ते क्लियर नहीं हुए तो आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। मन तो मेरा बहुत था कि मैं -4 में भी राइड करूं, लेकिन वो -4 का -7, -8 और -10 चला जाएगा, इसका कुछ नहीं पता। अभी कुछ और लोकेशंस में फाइनल करने की कोशिश कर रहा हूं, देखो कहां का बनता है, कहां जाते हैं, क्या रहता है, क्या होता है। बट फिलहाल के लिए मुझे मनाली कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, बट कुछ पता नहीं, शायद मैं मनाली चला जाऊं। अभी फिलहाल मैं अपना सारा सामान बाइक पे लोड करूंगा ताकि सुबह मॉर्निंग में किसी भी तरह की मेहनत ना करनी पड़े, सीधे बाइक पे बैठे और निकल जाए। जाना कहां है पर वो अभी तक फाइनल नहीं है, आई होप प्लान जो है वो मेरा कैंसिल ना हो। सो आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू लीव। मनाली जाने का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता वहां पे जाके फंसने का, और टेम्परेचर जो है वो रेगुलरली ड्रॉप हो रहा है। तो मनाली अब तब जाएंगे जब अटल टनल ओपन हो जाएगा। तो आज की जो मेरी राइड होने वाली है वो होने वाली है राजस्थान की तरफ, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो टू राजस्थान। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज का हमारा जो डेस्टिनेशन होने वाला है वो होने वाला है जैसलमेर, और जैसलमेर यहाँ से 777 किलोमीटर है। होपफुली आज हम जैसलमेर पहुंच जाएंगे, अगर नहीं पहुंच पाते तो फिर देखेंगे बीच रस्ते में कहीं पर रुक जाएंगे। वैसे हमारी है कि आज ही हम जैसलमेर पहुंच जाएं, तो बाकी मैं मिलता हूं आपसे बाइक पे। सो हम लोग दिल्ली से निकल चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 7:46 और टेम्परेचर है 6.5, एंड बिलीव मी जो टेम्परेचर है बाहर का 6.5 वैसे है, लेकिन बाइक पे टेम्परेचर 3-4 डिग्री ड्रॉप हो ही जाता है। जैसलमेर पहुंचने का जो हमारा टाइम ट्रेवल दिखा रहा है वो दिखा रहा है 13 आवर्स 4 मिनट। थोड़ा फास्ट भी चलेंगे हम, लेकिन सेफ चलेंगे। अभी फिलहाल हम रोहतक रोड पर, यहाँ से भिवानी वाला रास्ता लेंगे। इस रूट से मैं पहली बार जा रहा हूँ, भिवानी तक मैं गया हूँ, लेकिन आगे राजस्थान बाइक से कभी नहीं गया। एक बार गया था गाड़ी से, बट बहुत टाइम पहले। सबसे पहला जो मुझे काम करना है अभी पेट्रोल डलवाना है बाइक में और हवा चेक करानी है, क्योंकि लगेज लोडेड है तो हवा का प्रेशर जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। पेट्रोल तो मैं कहीं से भी फिल करा लूंगा। अभी हम लोग पहुंच गए पीरागढ़ी फ्लाईओवर पे, और आज मैंने अपने RST ग्लव्स का भी उद्घाटन कर दिया काफी टाइम बाद। ये थोड़े कड़क कड़क से लग रहे हैं, और अपने हेलमेट का वाइजर जैसे ही बंद करता हूँ पूरे शीशे पे फॉग हो जाती है, तो हल्का सा मुझे खोल के चलाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया दिल्ली में काफी चिल्ड मौसम बना हुआ है, लेकिन दिल्ली में बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है काफी टाइम से। कल थोड़ी बहुत देर के लिए निकली थी, वैसे अभी मैं इस वक्त काफी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। जो मेरे राइडिंग गियर हैं बेसिकली वो विंटर्स के लिए हैं। जब से मैं अपने घर से निकला हूँ तब से अब तक मुझे ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मतलब है ठंड बट अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। लेकिन मलिका बता रही है कि उसको हल्की फुल्की हवा लग रही है, क्योंकि उसके जो राइडिंग गियर्स हैं वो समर्स के लिए हैं और उसमें काफी वेंटिलेशन है। हेलो एवरीवन, मैं भी साथ जा रही हूं, ऋषि ने बताया नहीं बताया। अरे हाँ, मैंने तो बताया नहीं है, सुबह सारे कामों में मैं मलिका से आपको मिलाना ही भूल गया। सब कुछ लोड कर लिया, मलिका पे लोड हो गया, लेकिन मलिका से मिलवाया नहीं है। अगर मेरे वर्ड्स थोड़े बहुत इधर उधर होंगे तो प्लीज समझ जाना, क्योंकि ठंड है और हवा लग रही है तो होंठ थोड़े थोड़े सुन्न हो रहे हैं। हवा है भैया, हवा तो मैं पेट्रोल भी नहीं डलाऊंगा फिर तुमसे। माई राइट माई चॉइस। तो यहाँ से दिल्ली से टीकरी बॉर्डर पड़ता है जो कि बंद कर रखा है, आई थिंक जो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का उसकी वजह से। गूगल मैप्स भी ये रास्ता नहीं बता रहा है, दूसरा रास्ता बता रहा है, तो अभी हम उस रास्ते से जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा जाम लगा हुआ है। देखते हैं कि ये कहाँ तक है, आई होप ज्यादा लंबा ना हो। इतना टाइट है कि मेरी बाइक निकलनी मुश्किल है, क्योंकि पीछे पैनियर्स वगैरह हैं तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा चाहिए। तो ये जाम के लिए थोड़ा सा अपडेट करना था, इससे बाहर निकल के फिर आपसे मिलता हूँ। क्या हुआ भैया, तुम भी जाम में फंसे हुए हो क्या? अच्छा अच्छा, ये पुल है आगे, कितना दूर है सामने दिख रहा है?
तो जाम से निकलने में हमें 15 मिनट लगे क्योंकि बाइक पे थे, गाड़ियां जो है वो कम से कम भी 45 मिनट से आधा घंटा उनको लगेगा, और यहाँ पर किसान आंदोलन जो है वो चालू है, तो यहाँ पे सारे ट्रैक्टर्स ट्रक्स झंडे वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं। यहाँ से रोहतक जो है वो 44 किलोमीटर है, और ये आए गैस बहादुरगढ़ है, और मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि लोगों ने शेल्टर्स भी बनाए हुए हैं और खाना वगैरह सब कुछ यहीं पे बना रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स भी खड़े हैं और साथ साथ अच्छी अच्छी गाड़ियां भी खड़ी हैं। हमें जो डायवर्जन मिला था ना टिकरी बॉर्डर से, हाँ। तो उसके थोड़ा सा आगे से लेके बहादुरगढ़ पूरा बहादुरगढ़ है। हाँ, हम लोग अंदर से कहीं से निकल के आ गए हैं, लेकिन ये पूरा वहाँ से सीधा आ रहा है। हाँ, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इन्होंने तो वो टेंट भी ले रखा है जो हम लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, टूरिंग टेंट। राइट, मतलब एजेड औरतें भी आई कैन सी घूम रहे हैं यहाँ पे बहुत ही नॉर्मली। लोग कपड़े सुखा रहे हैं, लुक एट दैट, नहा रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। एक साइड नहीं, दोनों साइड घेरी हुई है। हाँ, हाईवे पूरा बंद कर रखा है, डायवर्जन हो गया ना, एक साइड पूरी घेरी पड़ी है उस साइड से भी, उस साइड। अच्छा, ये हाईवे पे ही है हम, और हाँ। हाईवे की एक साइड जो है वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है, एक साइड जो है वो खुली है। देखो, पॉलिटिक्स में मेरा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि लोग परेशान है, जो भी होना है, जो भी सही है वो हो जाए। वैसे ही हमारा हिंदुस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि ये सब कुछ झेल पाए, तो अब जाके पीछे किसान आंदोलन की जो भी जगह ऑक्यूपाई करी हुई थी वो खत्म हुई है, और यहाँ पे हाईवे जो है वो दो साइड चल रहा है। आई थिंक 8 या 9 किलोमीटर का था टोटल जो जगह किसानों ने फार्मर्स ने ऑक्यूपाई की हुई थी, और जैसे कि अब हाईवे बोथ साइड ओपन हो गया तो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं अपनी स्पीड मेंटेन करने की। और ये आ गया हमारा पहला टोल जैसलमेर की जर्नी का। तो पेट्रोल का टैंक मैंने फुल करा लिया और हवा भी मैंने यहाँ से खुद ही भर ली, अब आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी लंबा हम लोग चल सकते हैं। एकदम मक्खन हाईवे, मक्खन, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, रोड्स खाली हैं, और हम काफी अच्छी स्पीड जो है वो मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितनी स्पीड में चल रहे हैं उतना ही ठंडा लग रहा है। हमने वैसे रोहतक क्रॉस कर लिया और फिलहाल हम महम में है, अब यहाँ से देखो कि कैसा रास्ता होगा आगे। मेरे राइट साइड में ट्रेन चल रही है अगर आपको दिखाई दे रही हो तो, अभी ये बिल्कुल पास थी लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया रोड ने कर्व ले लिया इसलिए थोड़ी दूर चली गई है। मेरे होठ है जमे। अभी बड़ा मजा आया, हम लोग जब हिसार पहुंचे थे तो हिसार से पहले बहुत सारे रेस्टोरेंट ढाबे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मल्लिका ने बोला कि मुझे कुछ खाना है सब कुछ गायब हो गया एकदम अचानक से, सब सुनसान हो गया। मेरे साथ यही होता है। हम लोगों ने हिसार क्रॉस कर लिया है और हिसार से अराउंड 20 किलोमीटर आगे आ गए हम, और हमने 160 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिया होगा। अभी हमने फर्स्ट ब्रेक लिया है हिसार के बाद। हाईवे अगर मैं बोलूं तो एकदम मक्खन है मक्खन, बड़ा मजा आ रहा राइड करने में, बहुत ही अच्छा हाईवे है। अरे छोटा सा ढाबा है जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं और यहाँ पे हमने इनसे चाय मंगाई है, पराठे तो हमारे पास है ही, और ठंड इतनी है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है। अभी एक बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट हुआ जब आपने देखा था दिल्ली बॉर्डर के पास जहाँ पे जाम लगा हुआ था, तो वहाँ पे एक साइड से ट्रैफिक चल रहा था और हम लोग रुके हुए थे, तो हमारे बगल में जो गाड़ी क्रॉस कर रही थी हमें वो हमारी बाइक को देख रहा था और उसने देखा ही नहीं कि आगे गाड़ी रुकी हुई है, उसने गाड़ी उसमें ठोक दी और मैंने कहा गाड़ी ठोकने से पहले उसे देख रही थी और बोल रही थी ओ ठुकी 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 ठुक गई। ये इंसिडेंट इतना फनी था ना, मतलब मैं भूल ही नहीं सकती। मैं वो एक्चुअली ऋषि की बाइक इतनी बड़ी है कि दिखती ही अलग है, तो जब वो ऋषि की बाइक को देख रहा था तो ऐसे देख रहा था और सामने वाली गाड़ी पे चले गए ढांके वजह से। वैसे कुछ नुकसान नहीं हुआ था लेकिन बहुत बढ़िया सीन था। मैंने तो देखा नहीं, मल्लिका ने ही देखा था, मेरे को तो बस ठुकने के बाद पता चला जब मैंने देखा कि ठुक चुकी थी तब तक। सो वी आर बैक ऑन हाईवे। हमने दो छोटे छोटे से पराठे खाए, ज्यादा नहीं खाया। नॉर्मली जब मैं हाईवे पे ट्रेवल करता हूँ बाय रोड स्पेशली तो मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ, चाहे मेरे को दोबारा भूख लग जाए मैं कई बार रुक जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी पेट फुल नहीं करता हूँ क्योंकि पेट फुल करने के बाद क्या होता है एकदम बॉडी लेजी हो जाती है और फिर जो है रास्ता बोर लगने लग जाता है। इससे मेरी एनर्जी बनी रहती है, डाइजेशन भी सही रहता है और मैं फुल एंजॉय भी कर पाता हूँ अपने ट्रिप को। और ये इस रूट का फोर्थ टोल भी हमने क्रॉस कर दिया। वो लॉकडाउन में हुई थी। इतनी खुशी हो रही है मुझे, इतनी खुशी। क्या अमेजिंग रोड है विद द ब्यूटीफुल सीनरी। मेरा हाथ ऐसे किया मेरा हाथ ही उड़ गया।
और ऐसी खुली रोड को देख के मैंने अपनी बाइक का क्रूज कंट्रोल जो है वो सेट कर दिया 100 पे। इफ यू कैन सी इट, मैंने अभी थ्रोटल होल्ड नहीं किया हुआ है और बाइक मेरी 199 मेंटेन कर रही है। इससे एक सबसे बड़ा फायदा जो मुझे होता है वो होता है फ्यूल सेविंग, और क्रूज कंट्रोल वैसे भी बना ही ऐसी रोड्स के लिए होता है, सो आई एम लविंग इट। और जो ट्रेन का ट्रैक मेरे राइट साइड में था अब वो मेरे लेफ्ट साइड में आ गया है। ऐसी रोड मुझे बहुत अच्छी लगती है जिसके साइड में ट्रेन का ट्रैक हो और साथ में सड़क पे हम चल रहे हो। वाओ यार, ये पार्ट भी इंडिया का बहुत खूबसूरत है, अनबिलीवेबल। देखियो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही दूर दूर तक सब नजर आ रहा है, हल्की हल्की फॉग फॉग के अंदर ट्रीज, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये आ गया हमारी आज की जर्नी का फिफ्थ टोल। पता नहीं अभी हम राजस्थान में एंटर हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर ये अभी हरियाणा ही चल रहा है। और ये जो एरिया आई थिंक शुरू है, यहाँ पे नेटवर्क्स नहीं है तो मेरे GPS के जो सिग्नल्स हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि रोड जो है वो एक ही है, तो अभी जब तक ये सीधा रोड चल रहा है मैं इस पे चलता रहूंगा। सो राइट नाउ द टाइम इज 2 PM और अभी जो टेम्परेचर है वो 16.5 है, और फिलहाल हवा में जो ठंडक पहले थी वो महसूस भी नहीं हो रही है। मतलब पहले हम लिटरली ठंड से कांप रहे थे और अभी हम एकदम कंफर्टेबल हैं। पहले जो है वो धूप भी नहीं निकली हुई थी, अब जो है सनलाइट पड़ रही है और काफी देर से रेगुलर है फिफ्थ टोल, और बीच बीच में छोटे छोटे से डेजर्ट दिख जाते हैं तो एक राजस्थान वाली फील भी जो है वो आनी शुरू हो जाती है। दिल्ली से लेके यहाँ तक मुझे एक भी गड्ढा नहीं मिला, एक भी, मैंने सबकी मार ली एक। सो बिग थम्स अप फॉर दिस हाईवे। मुझे एक अजीब सी जलन होने लगी राजस्थान के लोगों से कि तुम्हारे पास इतनी सुंदर लैंड है, इतना बढ़िया हाईवे है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं पहले यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्यों, वाय। अब से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पर राजस्थान की तरफ भी आऊँ और राजस्थान की नई नई जगह को एक्सप्लोर करूँ। और मेरे को जैसे ओवरटेक लेना होता है, देखो मैंने रेस नहीं ली हुई, और क्रूज कंट्रोल के बटन से ही स्पीड जो है वो बढ़ा देता हूँ, और माइनस का बटन दबाता हूँ तो स्पीड जो है मेरी वो कम हो जाती है। काफी देर से मैं क्लच भी यूज नहीं कर रहा हूँ और एक्सीलरेटर भी यूज नहीं कर रहा हूँ और ब्रेक्स भी यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्रूज कंट्रोल से अपनी बाइक को ऑपरेट कर रहा हूँ। अब ये देखो ओवरटेक मुझे लेना है, एक्सीलरेटर मैंने यूज नहीं किया, अब स्पीड में वापस वही सेट कर दूंगा, डन। और ये आ गया हमारी आज की जर्नी का छठा टोल। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखनी है कि आज का हम 777 जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ की रोड जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पे एक कमी जो मुझे लगी वो ये कि यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं है। मल्लिका ने दोबारा से जैसे ही बोला कि मुझे रुकना है, कुछ खाना है, वैसे ही सब कुछ खाली हो गया, एकदम सुनसान। तो अभी आगे एक बड़ी जगह आने वाली है नागौर करके, वहां पे हम लोग रुकेंगे और हल्का फुल्का स्नैक्स खाएंगे, प्लस मेरी बाइक का जो टैंक है वो भी खाली होने वाला है तो उसे भी फुल करेंगे। मुझे लगता है कि शायद जैसलमेर के आसपास में पहुंच जाऊंगा अब की बार जो टैंक फुल होगा। भैया के मुंह से निकला भाई, ये 2-3 लाख की नहीं, 1 लाख की बाइक है। हाँ मैंने आपको बता दूं, वो मजाक वाली बात थी। चलो अच्छा भैया चलते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मजा आया, थैंक यू, बाय बाय। इनोसेंस होती है इनमें ना। हाँ गांव के लोगों में इसको पता नहीं लेनी है वाली है। पीछे जो पेट्रोल पंप पे मैंने पेट्रोल डलवाया है अपनी बाइक में, वो भैया मेरे से पूछते हैं कि कितने की बाइक है, तो मैंने सोचा उनको पता नहीं होगा इतना, मैं ज्यादा रेट बताऊंगा तो मैं लगेगा कि वैसे ही बोल रहा है लड़का, तो मैंने उन्हें बोला कि 2 या 3 लाख की बाइक है, ज्यादा नहीं है। कहते 2-3 लाख, 2-3 लाख में तो ऑल्टो कार आ जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं उनको, फिर अच्छे से बात होने लगी उनसे तो मैंने कहा बता ही देता हूँ कि प्राइस कितना है बाइक का, तो जब उन्होंने सुना तो फिर वो आपके सामने ही था, क्योंकि ये लोग गांव के होते हैं इतना ज़्यादा बाइक्स वगैरह इन्होंने देखा नहीं होता, तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि इतना मैं रेट बताऊं, और ये बेचारे थोड़े इनोसेंट भी रहते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे रेट बता देना चाहिए। बाकी सफ़र हमारा दोबारा से शुरू हो गया जैसलमेर के लिए,
सूरज देवता जो है वो ढलने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 2 घंटे में ये नीचे आ जाएंगे। सेकंड ब्रेक लेना है जो हमने लिया नहीं है, वही पेट्रोल के लिए रुके थे, और सेकंड ब्रेक में हम थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाएंगे तो थोड़ा वहाँ पे भी टाइम लगेगा। बाकी आई एम नॉट श्योर कहाँ तक आज पहुँचते हैं कहाँ तक नहीं पहुँचते। अगर मैं अकेला होता तो शॉर्ट ब्रेक ले लेता और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कवर करने के बाद कोई ब्रेक लेता, लेकिन अभी मलिका भी साथ में है तो बेचारी कितनी देर बैठी रहेगी। और ये हो गया क्रॉस 7वां टोल। यार रुकना, हाँ थोड़ा डंका लग रहा है यार, थैंक यू, भूख लग गई कुत्ते वाली। हेलमेट तो उतार ले। मैं जो महसूस कर रही हूँ, क्या आप वो महसूस कर रहे हैं ऋषि? क्या ठंडी? फाइनली जब मलिका की आत्मा परमात्मा में मिलने वाली थी, उससे पहले हमें रेस्टोरेंट मिल गया। इसका नाम है गुरुदेव रेस्टोरेंट और ये है नागौर में। मैंने ऑर्डर किया है चाट पापड़ी और मलिका ने ऑर्डर किया है मसाला डोसा। राइट, खा लेगी तू मसाला डोसा? मुझे बहुत तेज भूखी लगी है। मेरी मॉम ने परांठे पैक करके दिए थे, वो मैंने एक ही खाया है, तो अब आई थिंक 5-6 घंटे का गैप आ गया तो मुझे भूख लग गई है। अभी परांठे तो और भी रखे हैं। हाँ तो नहीं खाई ना वो। वो कब खाएगी? मसाला डोसा खाने के बाद तू रस्ते में रोक के पराठे खाएगी। Yeah, that's right. मैं खाने ही आई हूँ यहाँ पे सिर्फ। अभी मसाला डोसा आ गया। आ गया। ये क्या मसाला डोसा? अरे दो दो सांभर है इसमें तो। अभी मेरी पापड़ी चाट पेंडिंग है, आती है तो शक्ल दिखाता हूँ आपको और खा के भी बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। मसाला डोसा में थोड़ा सा नमक ज़्यादा था तो भैया उसे बड़े आराम से ले गए वापस, अब दूसरा ला के दे रहे हैं। और ये है पापड़ी चाट, नमकीन का, क्रीम का। अब डोसा कैसा मिलेगा? अब अच्छा, अब से नमक डाला। मेरी पापड़ी चाट भी बहुत टेस्टी, यहाँ का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलो अब इसे खाते हैं और फिर निकलते हैं। कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया हमने यहाँ पे और सामने आप देखोगे तो सनसेट हो रहा है, बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा है। लेट्स गो। ओए दर 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 दर। ये छोटा सा पैच है नागौर से थोड़ा सा आगे जो थोड़ा खराब है, और ये पैच इतना भी खराब नहीं है, इजीली 90 की स्पीड जो है वो मेंटेन हो रही है, सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। यहाँ से सनसेट और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। सी और सनसेट पूरी तरीके से हो चुका है, कुछ ही देर में सब कुछ डार्क हो जाएगा। और टेम्परेचर जो अभी है वो 15.5 है, विच इज़ काइंड ऑफ नो प्रॉब्लम। अभी तो जैसलमेर दूर है, होपफुली वी विल मेक इट। अभी मुझे पीछे छोटा सा हिरन का बच्चा दिखाई दिया जो भाग रहा था। पीछे एक जगह बोर्ड भी लगा हुआ था कि यहाँ पे हिरन जो है वो क्रॉस करते हैं, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। तो कभी कोई इस रोड पे आता है तो प्लीज़ वॉच इट। तो ये लो, अच्छा खासा अंधेरा हो गया है और यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ गया है। तो जो एवरेज स्पीड मेरी पहले निकल के आ रही थी वो अब नहीं निकल पा रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल रोड है और ये बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं जिनकी वजह से मुझे बार बार ब्रेक्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं। जैसलमेर पहुँचने का स्ट्रगल जो है वो अभी भी जारी है। यहाँ से 12 या 13 किलोमीटर आगे बताया है कि बीकानेर है, और बीकानेर से डबल लेन हाईवे जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी काफी टाइम से पिछले 70-80 किलोमीटर से हम लोग इसी रोड पे चल रहे हैं और हाई बीम और लो बीम की जो फाइट है वो चल रही है, जिसकी वजह से स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। अब आई गेस मैं अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ। और यहाँ से जो जैसलमेर है वो है 326 किलोमीटर। तो इन केस अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम जैसलमेर पहुंचेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई लाइक मलिका ने बोला कि नहीं स्टे कर लेते हैं तो वी विल स्टे। और ये पता नहीं कौन सा टोल है, कंफ्यूज हो गया मैं, 8 था या 9 था, जो भी था देख लेना यार, जब वीडियो एडिट करूंगा तो पता चल जाएगा। थोड़ी देर हाईवे चलने के बाद फिर वही सिंगल रोड आ गई है, लेकिन काफ़ी अच्छी वेल मेंटेन्ड है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए स्पीड जो है वो इतनी मेंटेन नहीं हो पाती है। जैसलमेर यहाँ से अभी भी 258 किलोमीटर है। और ये आ गया स्ट्रिप का 9th या 10th टोल। मैं लिटरली भूल चुका हूँ कि कौन सा टोल था 7th या 8th के बाद। और जो टाइम है अभी वो 9 PM हो चुके हैं और टेम्परेचर है 10 डिग्रीज। मलिका को थोड़ा सा एग्जर्शन होने लगा है, क्योंकि एज अ पिलियन क्या होता है कि पिलियन भी जब बैठा होता है तो वो रोड पर फोकस कर रहा होता है, जिसकी वजह से आइस पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है और मेंटल एग्जर्शन भी होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग राइट नाउ इज मलिका को 5-5 मिनट के क्विक ब्रेक दे रहा हूँ आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स, जिससे 20-25 मिनट का हमारा ट्रैवल टाइम तो बढ़ेगा, लेकिन हम वो लास्ट वाला ट्रैवल जो है वो कर पाएंगे। और ये जो ट्रिक होती है काफ़ी हेल्प करती है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की, जब ऐसा कुछ होता है कि हमारा ट्रैवल जो है वो काफ़ी लंबा होता है। हाँ, ये एक और टोल गेट हमने फाइनली पार कर दिया है और अभी जो टाइम है वो है 9:30, टेम्परेचर 10.5, पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ गया है।
इस वक्त मेरी स्पीड मेंटेन करने में जो सबसे ज्यादा मेरी हेल्प कर रही है वो है मेरी ऑक्स फ्लाइट। बिकॉज ऑफ दिस ऑक्स फ्लाइट मैं 115-120 की स्पीड तक पहुंच जाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं जाता। और अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं पोखरण, एक और टोल। आई थिंक ये 11th टोल होगा। अरे बाप रे, पता ही नहीं चला, आराम से निकल गई। कहाँ है बाइक का ये रहा इधर से, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। रोक दूँ? और मलिका बाइक से उतरते उतरते गिर गई है। होता है, होता है। आ जा, हाथ दे, दिखा, चल। तो इस ट्रिप का तीसरा टैंक भी मैंने फुल करा लिया है। वैसे पूरा यूज़ होगा नहीं क्योंकि जैसलमेर अब 100 किलोमीटर्स रह गया है, तो ऑलमोस्ट 75% पेट्रोल जो है वो बच जाएगा, तो वो हम कल यूज़ कर लेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, मैंने कभी अपनी लाइफ में एक दिन में तीन बार टैंक फुल नहीं कराया। जैसलमेर 104। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, राजस्थान में पेट्रोल जो है वो दिल्ली से 10 रुपये महंगा है। इट मीन्स यहाँ पे पेट्रोल 92 रुपीज़ है। अरे राजस्थान की गवर्नमेंट क्या कर रहे हो भाई, अभी तो वापस जाने में भी एक टैंक लगेगा जो कि मुझे राजस्थान से फुल कराना होगा। कितनी सुनसान और शांत रोड है ये, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आ रही, ना पीछे ना आगे, डार्क और डार्क और कुछ भी नहीं। बड़ी मुश्किल से इतनी दूर में कोई रेस्टोरेंट आते हैं, अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल शांत। ये देखो, मल्लिका ने मेरे को एकदम से बोला बाइक रोक और ऊपर देख। जब मैंने ऊपर देखा तो ऊपर इतने सारे स्टार्स नजर आ रहे हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है। और इतने स्टार्स रेयर ही मैंने कभी देखे होंगे, या तो लद्दाख में देखे हैं और एक बार स्पिति में देखे हैं। टेम्परेचर बहुत लो हो गया और मेरी बाइक ने वार्निंग दे दी है, रिस्क ऑफ सरफेस आइस। और ऑलमोस्ट हम जैसलमेर पहुंचने ही वाले हैं, इनफैक्ट हम जैसलमेर में एंटर कर चुके हैं। Finally, it was not easy, but we did it. आज के डे के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, बस एक चीज कहना चाहूंगा, जो लास्ट के 150 किलोमीटर होते हैं, आई मीन 150 किलोमीटर्स, वो खत्म नहीं होते, और आज वही हुआ। जैसे तैसे करके हम लोग जैसलमेर पहुंच गए। एंड मलिका, एक बात कहना चाहूंगा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद। और बाकी मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। ये हमारा बेड है, ये अलमीरा है। अरे पंखा चल गया, कुछ सिस्टम उल्टा था इसका। ये वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। यहाँ पर भी एक छोटा सा सिटिंग एरिया है। बाकी जो भी है सुबह मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा होटल कैसा है, क्योंकि अभी काफी अंधेरा हो चुका है। तो इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और यहाँ तक देख लिए तो कमेंट करना कंपलसरी है, और चैनल पे अगर नया आया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। टेक केयर, बाय बाय।